अभ्यास 7B को कंटिन्यू करते हुए अगला क्वेश्चन जो 6 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, दो अंकों वाली एक संख्या, पुनः दो अंकों की एक संख्या दिया है, ठीक है। तो हम लोग मानेंगे अगर हमें दो अंकों की संख्या लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे, इकाई का अंक और दहाई का अंक मानेंगे और उससे संख्या बनाएंगे। फिर लिखा का 7 गुना, अंकों का स्थान बदल देने से, अंकों का स्थान बदलना भी है, अर्थात पहले जो इकाई का अंक मानेंगे वो दहाई का अंक कर देंगे और जो दहाई का अंक मानेंगे उसे इकाई का अंक कर देंगे और उससे एक नई संख्या बनाएंगे। तो कह रहा दो अंकों वाली एक संख्या का 7 गुना, मतलब दो अंकों की जो संख्या बनाएंगे उसका 7 गुना कर देंगे, स्थान बदल देने से बनने वाली संख्या के 4 गुने के बराबर है। तो स्थान बदलने से जो नई संख्या बनेगी उसके 4 का गुणा कर देंगे और दोनों बराबर कर देंगे। कहता इकाई व दहाई के अंकों का अंतर 3 है, इकाई और दहाई के अंकों का अंतर क्या है, 3 है। तो कहता संख्या बताओ, कहता क्या संख्या बताओ। तो संख्या कैसे बताया जाए, संख्या कैसे बताया जा, तो लिखेंगे माना इकाई का अंक, इकाई का अंक एक्स है, तथा दहाई का अंक वाई है। अतः संख्या क्या होगी, संख्या होगी बोलो, इकाई का अंक एक्स है और दहाई का अंक वाई है, तो दहाई के अंक में 10 से गुणा कर देंगे और इकाई के अंक में 1 से गुणा करके जोड़ देंगे, यह संख्या बन गई। पुनः लिखा अंकों का स्थान बदल देने पर, अंकों का स्थान बदल देने पर, बदल देने पर बनी बनी नई संख्या, नई संख्या क्या होगा बेटा, अभी इकाई का अंक एक्स है इसको दहाई पे भेजो और दहाई का अंक वाई है उसे इकाई पर भेजो, तो बनी संख्या जो है, नई संख्या जो होगी वो 10x + y हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। प्रश्न में कहा कि दो अंकों की संख्या का 7 गुना करो, दो अंकों की पहली संख्या क्या बनी, दो अंकों की पहली संख्या क्या बनी 10y + x बनी, इसका हमें कितना करना है 7 गुना, 7 गुना माने 7 का गुणा। अंकों का स्थान बदल देने पर बनने वाली संख्या, अंकों का स्थान बदल देने पर जो संख्या बनी वो 10x + y बना, बना कि नहीं बना, बना के 4 गुने के बराबर है, इसका 4 गुना किया तो इसमें 4 का गुणा कर दिया, के बराबर है कौन, पहले वाले संख्या का 7 गुना, समझ आई बात। ब्रैकेट खोल दो, 7 का 10 में गुणा करोगे कितना होगा, 7 का x में गुणा करोगे 7x होगा, यहां 4 का गुणा करोगे 10 में 40x होगा, 4 का गुणा y में करोगे 4y होगा, होगा कि नहीं होगा। अभी क्या करना है, x भाई साहब को उधर भेज दो, 4y भाई साहब को उधर लाओ, तो ये हो गया 70y, 4y को इधर लाओगे -4y बराबर, इसको इधर ले जाओ 40x, ये +7x इधर चला जाएगा -7x, 70 में से 4 घटेगा कितना होगा 66y, और 44 में से 7 घटेगा 33x, तो 33 को इधर भेजो तो x बराबर कितना हो जाएगा 66/33y, 33 दुना, तो बेटा यहां से x का मान क्या आया, यहां आया x का मान कितना आ गया 2y, ये समीकरण नंबर 1 मान लिया। पुनः कहता है यदि इकाई व दहाई के अंकों का अंतर, पुनः प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार क्या कहा जा रहा है, प्रश्नानुसार का मतलब प्रश्न के अनुसार, पुनः क्या कहा जा रहा है, इकाई तथा दहाई के अंकों का अंतर कितना दे रखा है 3 है, है कि नहीं है। तो कहता संख्या बताओ, तो पहले एक्स वाई का मान निकालें, एक्स का मान यहां से रखो, लिखोगे एक्स का मान
समीकरण एक से रखने पर होगा कि नहीं होगा? तो ये होगा, यहां पे रखो 2y माइनस वाई बराबर 3। तो y बराबर कितना हो गया? 3। ये y निकल गया। y का मान कहां रखो समीकरण एक में? y का मान समीकरण एक में रखने पर, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 2 × 3। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 6। x का मान निकल गया, y का मान निकल गया। पूछ क्या रहा? संख्याएं बताओ। संख्या का मतलब क्या हुआ? हमें वह संख्या जो शुरू शुरू में बनाया था 10y + x, तो लिखोगे अतः संख्या, अतः बराबर कितना हो जाएगा? 10y + x। तो 10 × y 3 × 6, तो 10 × 3 हो गया 30 और 6 बराबर कितना हुआ? 36। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि दो अंकों की एक संख्या, पुनः इसमें कह दिया दो अंकों की एक संख्या, तो हमें इकाई का अंक और दहाई का अंक मान करके दो अंकों की संख्या बनानी होगी। तो पुनः मानेंगे सातवें क्वेश्चन के क्रम में, माना इकाई का अंक x, इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक क्या है? y है। अतः संख्या क्या होगी? दहाई के अंक में 10 का गुणा कर दो और इकाई के अंक में 1 का गुणा करके जोड़ दो, तो संख्या हो गई 10y + x। प्रश्नानुसार क्या कहता है? अंकों की संख्या, जो दो अंकों की संख्या है वो क्या है? 10y + x है। अपने अंकों के अंतर की 21 गुनी है, तो यहां दहाई का अंक y है, इकाई का अंक x है, इन दोनों के अंकों का अंतर y - x हो जाएगा का 21 गुना, मतलब इसमें हम 21 का गुणा कर दें तो ये किसके बराबर हो जाता है? दो अंकों की संख्या के बराबर हो जाता है। तो यहां से क्या मिलेगा? 10y + x बराबर, इसको इधर करो, 21 का वाई में गुणा करोगे 21y होगा, 21 का x में गुणा करोगे -21x होगा। अब इस -21 को इधर लेके चले जाओ और इसको इधर लेके चले जाओ, तो x पहले से यहां से था, 21y उधर से आएगा तो +21x होगा, 21y अपनी जगह पर है, इसको उधर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा -10y। अब x में 21 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 22x, और 21 में से 10 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 11y। तो यहां से अगर y की वैल्यू निकालें तो 11 को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 22/11x। तो 11 × 22, तो y की वैल्यू कितना हो गया? 2x हुआ कि नहीं हुआ? अब ये समीकरण नंबर हो गया एक। पुनः कहता है यदि संख्या से 36 घटा दें तो क्या लिखेंगे? पुनः प्रश्नानुसार, यदि इस संख्या से, किस संख्या से जो आपने पहले बनाया है 10y + x से 36 में घटा दूं तो कहता है अंकों का स्थान बदल जाता है। तो अंकों का स्थान, देखो यहां मैंने लिख दिया है कि अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या क्या हो जाएगा? x दहाई के स्थान पर चला जाएगा और y इकाई के स्थान पर, तो संख्या क्या हो जाएगी? 10y + x के बजाय 10x + y हो जाएगा। तो इसने कहा कि अगर पहले वाले संख्या से मैं 36 घटा दूं तो अंकों का स्थान बदल जाता है, अर्थात ये 10x + y हो जाता है। अब देखो इसको इधर ले आओ और इस भाई साहब को भी इधर लाओ, तो ये हो जाएगा 10y, y के बगल में y को लाओ -y, +x इसके बगल में 10x को लाओ, प्लस है इधर आएगा माइनस हो जाएगा, -36 बराबर हो गया 0। 10y में से 1y चला गया, 9y हो गया, और 10x में से 1x घटेगा
माइनस 9x हो जाएगा, और ये माइनस 36 को उधर भेज दो तो माइनस 36 हो जाएगा। देखो सब अंक सब पदों में अगर 9 से भाग दे दे तो सारे पद कटेंगे, तो 9 से भाग दोगे तो ये हो जाएगा y, यहां भाग दोगे हो जाएगा x, यहां भाग दोगे हो जाएगा 9 चौक 36। अब यह y का मान 2x समीकरण से रख दो, तो y का मान समीकरण एक से रखने पर, तो यहां पे रखोगे 2x माइनस x बराबर 4, या x बराबर हो गया 4। यही x का मान यहां रख दो, x का मान समीकरण एक में रखने पर, यहां रख देते हैं x का मान समीकरण एक में रखने पर, तो क्या हो जाएगा y बराबर 2 गुणे x का मान कितना आया 4, तो ये हो गया 8। ठीक है, तो लिखेंगे अतः संख्या, संख्या क्या बनाया था बेटा आपने 10y धन x, तो y का मान यहां रख दो 8 और x का मान रख दो 4, तो 10 बटे 80 धन 4 बराबर हो गया 84, तो ये हो गया आपका आंसर।